फासले से लग अंदाज मेरे तो अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स पे ये वाला सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको काफ़ी सारे वीडियो में आपको ये वाला सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नॉर्मल में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा और एडिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरह से आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं और इस तरह का आपको माउंटेन वाला पीएनजी भी रील्स पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारा मैं आपको पीएनजी भी देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना अगर आपको पीएनजी डाउनलोड करना है तो, क्योंकि वहाँ पर आपको पासवर्ड भी देखने को मिलेगा और पासपोर्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। बीच में मैं कहीं भी यहाँ पर आपको पासपोर्ट दे दूंगा तो आपको पासपोर्ट ऐड करके पीएनजी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ, आपको भी यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना और साथ में आपको वीपीएन से भी कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी वीपीएन से कनेक्ट करके रखा हूँ, तो चलिए वीडियो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं इस तरह का वीडियो आपको देखने मिलेगा, तो ये वाला वीडियो मैं यहाँ पर यूज करूँगा। आपको जो भी वीडियो एडिट करना है आप यहाँ पर ऐड कर लेना। पहले तो आपको ब्लैक वाला आपको वीडियो डिलीट कर लेना और यहाँ पर आपको अपने वीडियो का लेंथ भी वगैरह ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आगे का पार्ट डिलीट कर लेता हूँ और पीछे का भी हल्का सा यहाँ पर मैं स्प्लिट करने वाला हूँ और इसे भी मैं यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे आपको डिलीट कर लेना और वीडियो का जो भी म्यूजिक रहेगा वो यहाँ पर आपको म्यूट कर लेना। जो भी रिकॉर्डिंग का टाइम यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है उसे भी आपको यहाँ पर म्यूट कर लेना। तो यहाँ पर मैं स्पीड में चले जाते हैं, हल्का सा स्लोमो देने वाले हैं तो एडजस्ट में आपको चले जाना है और फिर से आपको यहाँ पर लोडिंग होगा, फिर से और एक बार क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको हल्का सा एडजस्ट वगैरह कर लेना। आप यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हो। तो इसे मैं हल्का सा डाउन कर लेता हूँ और इसे उससे भी ज़्यादा डाउन कर लेते हैं और इसे हल्का सा डाउन और यहाँ पर अपने हिसाब से देख लेना। तो इस तरह के यहाँ पर मैं स्लोमो कर लिया हूँ और टिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्लोमो हो चुका है, बस यहाँ पर आपको पीएनजी भी ऐड कर लेना है। तो बल्ले पे आपको चले जाना है और एडा बल्ले पे चले जाना है और यहाँ से आपको फोटो वाले सेक्शन में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको पीएनजी भी ऐड कर लेना है। तो मैं आपको काफ़ी सारा पीएनजी दे दिया हूँ, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है और मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। तो पहले चलिए पीएनजी ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला पीएनजी भी यहाँ पर यूज करूँगा देख सकते हैं और इसका लेंथ यहाँ पर फुल कर लेते हैं वीडियो के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पर एरो पर आपको चले जाना है और यहाँ से आपको सबसे पहले फॉर्मेट में चले जाना है और इसका साइज़ भी आपको 9.16 में आपको कन्वर्ट कर लेना है रील्स वाला और यहाँ पर इसे फुल कर लेते हैं लेंथ वगैरह। उसके बाद अपने वीडियो को आपको कॉपी कर लेना क्योंकि यहाँ पर क्रोमा की करने वाले हैं। तो कॉपी करने वाले आपको यहाँ पर नीचे लाना है तो ओवर लेयर कर लेते हैं। चलिए इसे यहाँ पर आपको ओवर लेयर करने वाले आपको नीचे इस तरह का एडजस्ट कर लेना, अपने हाथों से इस तरह का आपको एडजस्ट कर लेना और दोनों आपको वीडियो सेम होना चाहिए। आगे पीछे करेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह का आपको यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको क्रोमा की करना है, तो यहाँ पर मैं क्रोमा की नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं फिल्टर की यूज करने वाला हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर क्रोमा की कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर आपको न्यू बैकग्राउंड पर आपको चले जाना है और यहाँ से आपको क्रोमा की इनेबल कर लेना है। तो ये वाला आपको सेक्शन को आपको स्काई में लेके चले जाना है और इसे आप यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और शैडो को हल्का सा बढ़ा देंगे तो इस तरह का आपको क्रोमा की बन जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, इसे पूरा फुल भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा शर्ट यहाँ पर वाइट है तो इसलिए आपको सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पर मैं क्रोमा की यूज नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं फिल्टर का यूज करने वाला हूँ। तो आपको फिल्टर पे आपको चले जाना है और यहाँ से आपको कोई भी फिल्टर दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर लोडिंग होगा देख सकते हैं, तो यहाँ पर फिल्टर का आप कोई भी यूज दे सकते हो, ओवर लेयर कर सकते हो, डार्क या फिर लाइट जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आपको काफ़ी सारा आपको देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका यूज करने वाला हूँ, काफ़ी सही लग रहा था या फिर ओवर लेयर अच्छा नहीं लग रहा, इसी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना और अभी पहले आपको बर्ड्स पीएनजी ऐड कर लेना, उसके बाद अपने वीडियो का आपको कलर ग्रेडिंग करना है। तो चलिए पहले बर्ड्स पीएनजी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ओवरले पे आपको चले जाना है और वीडियो में आपको चले जाना है और ये वाला बर्ड्स पीएनजी मैं यूज करूँगा देख सकते हैं। तो पहले आपका आपको देख सकते हैं फ्रंट में आपको इस तरह का ब्लैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको इसे फ्रंट कर लेना और यहाँ पर आपको इसका म्यूजिक भी यहाँ से म्यूट कर लेना। उसके बाद आपको वीडियो को आपको चले जाना है और यहाँ से आपको क्रोमा की कर लेना है, तो इस तरह का हल्का से इंक्रीज कर लेना वीडियो का लेंथ और रिमूव बैकग्राउंड पर आपको चले जाना है और यहाँ से क्रोमा की आपको इनेबल करके यहाँ पर जो भी बर्ड्स में जी इस तरह का आपको इनेबल इसे आपको करेंगे यहाँ पर आपको 50 के आसपास आपको इसे रख लेना और शैडो को आपको पूरा इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप ही रख लेना है करीब यहाँ पर मैं 30 के आसपास इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एडजस्ट करने में आपको यहाँ पर एरो पर आपको क्लिक कर लेना और कुछ इस तरह का आपको देखने में मिलेगा देख सकते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर अपने वीडियो को आपको नीचे लेना और बर्ड्स पीएनजी को आपको ऊपर लेना है कुछ इस तरह का देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरह एडजस्ट कर लिया हूँ
आपको करेक्टर के पीछे आपको वर्ड स्ट्रिंग यूज करना है। यहाँ पर मैं इनका सही से इंक्रीज कर लेता हूँ लेंथ वगैरह, और इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर मैं कट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ और स्पीड में चले जाते हैं और वीडियो को डिलीट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर आपको अभी एडजस्ट वगैरह कर लेना है। तो आपको नीचे वाला वीडियो को चले जाना है, और यहाँ से आपको सबसे पहले फिल्टर का यूज करेंगे, तो फिल्टर में चले जाते हैं और यहाँ से लोडिंग होगा। यहाँ से आपको मूवी वाला सेक्शन में आपको चले जाना है, और यहाँ से आप कोई भी टोन दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला टोन का यूज करूँगा, देख सकते हैं, और इसे आपको पूरा फुल कर लेना, और एडजस्ट में चले जाना, और वेटनेस को हल्का सा यहाँ पर मैं माइनस कर लेता हूँ अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पर मैं हल्का सा माइनस ही कर लेता हूँ, करीब यहाँ पर 5 के आसपास इसे रख लेते हैं, और कॉन्ट्रेस्ट को यहाँ पर मैं हल्का सा इंक्रीज कर लेता हूँ। इंक्रीज करने से काफ़ी डार्क होगा अपने हिसाब से देख लेना, और माइनस करने से हल्का सा लाइट आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे हल्का सा माइनस ही कर लेते हैं, हल्का सा लाइट आपको देखने को मिलेगा। और आपको सेचुरेशन को यहाँ पर आपको देख लेना, तो यहाँ पर देख सकते हो येलो टाइप का हो रहा है, तो इसे मैं इंक्रीज ही कर लेता हूँ, करीब यहाँ पर 20 कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको एक्सपोजर को माइनस ही कर लेते हैं, काफ़ी लाइट है, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर हल्का से इसे डाउन कर लेना है, इस तरह का देखना है, डाउन कर लेंगे तो हल्का से इस तरह का आपको डार्क देखने को मिलेगा, इस तरह का आपको डार्क कर लेना है इसे। और यहाँ पर आपको हाईलाइट को हल्का से माइनस कर लेना, और शेडो को हल्का से इंक्रीज कर सकते हो, और यहाँ पर इसे भी हल्का सा टोन दे सकते हो, तो ये वाला टोन यूज कर सकते हो, यहाँ पर लाइट आ रहा है, और प्लस ही कर लेते हैं, और इसे आपको यहाँ पर इसे भी आपको प्लस कर लेना अपने हिसाब से दे सकते हो। ये वाला टोन यूज करना है तो कर सकते हो, इसे यूज नहीं करने से भी काफ़ी सही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टिक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर कलर रीडिंग हो चुका है, बस यहाँ पर आपको लिरिक्स वगैरह ऐड कर लेना है। तो पहले तो आपको इसे एक्सपोर्ट करना होगा, उसके बाद आपको लिरिक्स ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एरो वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर लेना, और यहाँ से आपको वीडियो को पहले एक्सपोर्ट कर लेना। तो पहले चलिए एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आपको फिर से वीडियो को ऐड कर लेना। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, और सबसे पहले आपको वीडियो को ऐड कर लेना, और फिर से आपको प्लस में चले जाना, और यहाँ पर आपको लिरिक्स वाला वीडियो को ऐड कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिरिक्स वीडियो भी ऐड हो चुका है, तो इसका ऑडियो इनसे आपको एक्सट्रेट कर लेना। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो एक्सट्रेट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको जहाँ पर ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको कट कर लेना, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ, और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ, और इस यहाँ पर प्लस में चले जाते हैं, और यहाँ पर आपको कैमरा वाले सेक्शन में जाके जूम आउट को अप्लाई कर लेना, और इसे करीब यहाँ पर आपको 3 सेकंड आप इसे रख सकते हो, 3 या 4 सेकंड आपको दे देने, और यहाँ पर टिक कर लेना, और यहाँ पर आपको इसका लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पर हम स्प्लिट वगैरह कर सकते हो, और आगे का अगर आपको स्प्लिट करना है इस तरह का आपको इसे भी आपको स्प्लिट कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना आपको जो वाला पार्ट आपको यहाँ पर रखना है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर मैं डिलीट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो आपका रेडी हो चुका है, और कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ पर कवर इसका चेंज कर लेना, और यहाँ से आपका वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो कंप्लीट चुका है, और कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता लेना, और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कुछ इस तरह का आपको ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ इस तरह का आपको ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए ऐसे मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।